मैं हमारे साथ जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं। दुष्यंत जी, बसपा के साथ आपका गठबंधन हुआ, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कितना कितनी मजबूत हुई है जेजेपी इसके बाद और क्या बदलाव? एक और एक 11 होता है राजनीति के अंदर, और मैं मानता हूं किसान कमेरे की जो जोड़ी है ये हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम करेगी, जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर चलेगा, और गरीब को, पिछड़े को, दलित को, मजदूर को, छोटे दुकानदारों को आज एक उम्मीद जगी कि पूंजीपति पार्टियों की सरकार को बाहर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को ताकत देने का काम कर। मुख्यमंत्री की भी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और 75 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? आशीर्वाद किस चीज़ का? हरियाणा प्रदेश को जलाने का, 80 लोगों की जान लेने का, लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का? मुख्यमंत्री ये तो हरियाणा की जनता को बताए कि वो आशीर्वाद किस चीज़ का मांग रहे हैं। 5 साल में अपराध में बिहार को पीछे छोड़ने का, हजारों करोड़ की माइनिंग घोटाले का, 1000 करोड़ का किलोमीटर स्कीम घोटाले का? मुख्यमंत्री तो केवल मात्र सरकार के पैसे से अपना प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं।